राजकीय रेल पुलिस ने पटना जंक्शन पर करीब 25 किलो चांदी की खेप को बरामद किया है, जो एक बैग के अंदर रखा हुआ था। जब बैग की जांच की गई तो उसमें बड़े पैमाने पर चांदी से बने पायल पाए गए, जिसे रेल पुलिस ने तत्काल अपने में जब्त कर लिया। फिर उस खेप को लेकर आ रहे एक शख्स को भी पटना जंक्शन पर ही डिटेन किया। इसके बाद स्टेट जीएसटी की टीम को सूचना दी गई। रेल पुलिस के अनुसार रविवार की शाम पटना जंक्शन पर चेकिंग के लिए स्पेशल अभियान चलाया गया था। 13240 कोटा पटना एक्सप्रेस देर शाम आई थी। इसी ट्रेन से पटना सिटी का रहने वाला एक शख्स चांदी की खेप को लेकर उतरा था। शक के आधार पर उसके सामान की जांच की गई, जिसमें चांदी से बने पायल की बड़ी खेप मिली। जांच के लिए उसे रेल थाना लाया गया। डिटेन किए गए व्यक्ति से पूछताछ की गई, तब उसने बताया कि सोना चांदी का कारोबार करने वाले बनवारी लाल की पटना के ही बाकरगंज इलाके में ज्वेलरी शॉप है। उत्तर प्रदेश के मथुरा से चांदी की ज्वेलरी बनवा कर मंगवाते हैं। जिस शख्स को रेल पुलिस ने डिटेन किया वो बनवारी लाल का स्टाफ है। इस मामले में स्टेट जीएसटी की टीम जांच कर रही है। रेल थाना में ही चांदी की खेप का वजन कराया गया। तौल में जिसका पूरा वजन 25 किलो 41 ग्राम पाया गया। इस संबंध में कारोबारी से जांच के लिए कागजात मांगे गए हैं। इसके बाद उन्होंने कई तरीके की कागजात दिए थे। स्टेट जीएसटी की टीम ने उसकी पड़ताल की। पटना रेल पुलिस के अनुसार जांच में सारे कागज सही पाए गए हैं। इस दौरान डिटेन किए गए कारोबारी के स्टाफ और जब्त किए गए चांदी की खेप को छोड़ दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।